हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सबा और आज का टॉपिक है भारत में इस्लाम, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम्स इन इंडिया। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में मुसलमानों की कुल जनसंख्या है 14.2%। वैसे तो इस्लाम का आगमन भारत में 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था, लेकिन 11वीं शताब्दी से जब भारत पर तुर्कों, अफगानों और मुग़लों ने आक्रमण कर राज्य करना शुरू करा, तो इस धर्म का प्रचार और प्रसार भारत में बहुत तेज़ी से हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस धर्म को ग्रहण करना भारत में शुरू कर दिया था। अनेक दूसरे धर्मों की तरह इस्लाम धर्म में भी दो संप्रदाय हैं, पहला सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी संप्रदाय को मानने वाले मुसलमानों की संख्या भारत में शिया संप्रदाय से ज़्यादा है। बेसिक जो डिफरेंस इन दो संप्रदायों का है वो है हज़रत मोहम्मद के उत्तराधिकार को लेकर इख्तिलाफ, कन्फ्लिक्ट। शियाओं और सुन्नियों में किन किन आधार पर इख्तिलाफ है, इस पर हम एक अलग वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिकली सिर्फ हम इतना समझ लें कि हज़रत मोहम्मद की वफ़ात के, डेथ के बाद जब ये डिसाइड किया जाने लगा कि उनका उत्तराधिकारी यानी कि इस्लाम का लीडर कौन बनेगा, तो इस पे जब मुसलमानों में दो गुट बन गए, दो डिवीज़न हो गई, तो यहीं से शिया और सुन्नी संप्रदाय का आगाज़ हुआ। सुन्नी संप्रदाय के फॉलोवर्स का मानना है कि हज़रत मोहम्मद के बाद जो उनके दोस्त हज़रत अबू बकर खलीफा बने वो ही सही था, जबकि शिया संप्रदाय के लोगों का मानना है कि हज़रत मोहम्मद के बाद हज़रत अली, जो कि उनके मुंह बोले बेटे भी थे, उनके चाचा के बेटे भी थे, ही जेन्युइन उत्तराधिकारी थे। इसी को लेकर दो संप्रदाय मुसलमानों में बन गए, शिया और सुन्नी। इसके अलावा भी बहुत सारे इख्तलाफ हैं जो शिया और सुन्नी संप्रदाय का बेस बने। इस बारे में डिटेल से चर्चा हम एक अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था भारत की जड़ों तक बसी हुई है, इसलिए हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी जातियाँ आ गई, तो मुसलमानों में भी कई सारी जातियाँ पाई जाती हैं, जिस आधार पर ऊंच और नीच की भावना इसमें भी व्याप्त हो गई। जबकि सैद्धांतिक रूप से सभी मुसलमान समान हैं और उनमें कोई भी ऊंच और नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों का सारा जीवन धार्मिक नियमों के अधीन है, जो उन्हें नैतिकता से और सत्यता से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस्लाम के प्रमुख तत्वों को। इस्लाम के चार प्रमुख तत्व हैं। पहला है कुरान, दूसरा हज़रत मोहम्मद, तीसरा शरीयत और चौथा है तारीखात। तो ये सब क्या हैं, इनको ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहला कुरान, एंजल जिब्रील के थ्रू हज़रत मोहम्मद को खुदा के जो मैसेजेस भेजे गए, उन्हीं मैसेजेस का कंपाइलेशन जिस किताब में करा गया, वो धार्मिक ग्रंथ इस्लाम का कहलाता है कुरान। दूसरा हज़रत मोहम्मद, इस्लाम में मुसलमान हज़रत मोहम्मद को ईश्वर का कोई अवतार ना मानकर उनका दूत मानते हैं, जो कि उनके मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते हैं। मतलब रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद इस्लाम में एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं, जो खुदा के मैसेज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तीसरा शरीयत, शरीयत व्यवहार के सभी नियमों का एक संग्रह है, इसी को हम मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक कानून भी कहते हैं। शरीयत पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इन नियमों को कहाँ से लिया गया और ये नियम किस तरह से अप्लाई होते हैं सोशल और रिलीजियस लाइफ में, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में। चौथा है तारीखात, ये इस्लाम की उन शिक्षाओं से संबंधित है जो व्यक्ति को अल्लाह के प्रति समर्पण और नैतिक जीवन की ओर लेके जाता है। इसी के आधार पर मुसलमानों में एक और संप्रदाय का जन्म हुआ जिसे सूफी पंथ कहते हैं। सूफी पंथ में खुदा में लीन हो जाना ही परम धर्म है।
अब इस्लाम धर्म को और डिटेल से समझने के लिए हम इसकी शिक्षाओं की बात करते हैं कि इस्लाम धर्म क्या सिखाता है, किस तरह का इंसान बनने की प्रेरणा देता है, इसकी शिक्षाएं आखिर क्या हैं। सबसे पहली शिक्षा है ईमान। ईमान का अर्थ है अल्लाह और पैगंबर द्वारा दिए गए निर्देशों में यकीन रखना, विश्वास रखना। इस्लाम के अनुसार अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और किसी की इबादत अल्लाह के सिवा नहीं की जाए। पैगंबर अल्लाह के प्रतिनिधि हैं और उनके संदेश पर अमल किया जाए। ईमान का मतलब ये भी है कि जजमेंट डे, कयामत के दिन पर, रोज़े शुमार के दिन पर यकीन करा जाए, आपके अच्छे और बुरे कामों का फल आपको उस दिन मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और नेक काम में अपनी ज़िंदगी आप बिताएं। दूसरा है इबादत। इसमें पांच क्रियाएं आती हैं। पहला शहादा, मतलब अल्लाह पर यकीन रखना। दूसरा सलाह, पांच वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरा ज़कात, अपनी आमदनी का 2.5% गरीबों और ज़रूरतमंदों को देना कंपलसरी है। चौथा रोज़ा रखना। रमज़ान के पाक महीने में 30 दिन रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज है, कंपलसरी है। और पांचवा है हज, अपने फ़र्ज पूरे कर ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा मक्का जाकर हज करना भी ज़रूरी है। तीसरा है एहसान। एहसान का अर्थ है कि कुरान द्वारा दी गई शिक्षाओं के आधार पर अच्छे कामों को करना और बुरे कामों से दूर रहना। ये नैतिक शिक्षाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली है ईश्वर एक है और वही पूरी दुनिया का मालिक है। दूसरी है कुरान में कहा गया है कि हर मुसलमान अपने कामों के लिए स्वयं ज़िम्मेदार है, मतलब जब तक कि आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक अल्लाह भी आपको नहीं देगा। तो कोशिश करिए और दुआ कीजिए तो आपको ज़रूर मिलेगा। ये नहीं कि आप बस अपनी किस्मत के सहारे बैठे हैं, आपको कोशिश करना भी ज़रूरी है। तीसरा है कि कुरान में कहा गया है कि तुम सच बोलो, अगर किसी से वायदा करो तो उसे पूरा करो, किसी की भी अमानत पर बुरी नज़र मत डालो, बदचलनी से बचो और किसी पर अत्याचार मत करो। चौथा है हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि इस्लाम की शिक्षाओं का अधिक से अधिक प्रसार करे ताकि इंसान नेक कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। नेक्स्ट है इस्लाम के अनुसार बस दो ही जातियां हैं, मुसलमान और गैर मुसलमान। इसके अलावा कोई ऊंच नीच की भावना या ऊंच नीच की जातियां मुसलमानों में नहीं हैं। इस्लाम किसी भी तरह के भेदभाव और ऊंच नीच को नहीं मानता। तो जिन लोगों ने ऊंच नीची जातियां बनाई हैं, भेदभाव करते हैं, वो इस्लाम की शिक्षा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शरीयत पर, हदीस पर, शियाओं और सुनियों के इख्तलाफ पर डिटेल में। तो इस वीडियो के आधार पर आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और उनकी शिक्षाएं क्या हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।